अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक और नई वीडियो में एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में जो बिज़नेस आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडिया है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे मैनुफैक्चरिंग बिज़नेस भी बोल सकते हैं, जो आप अपने घर में सेटअप लगा सकते हैं और बिज़नेस आइडिया में आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है। किराना स्टोर्स हों, बेकरी हो, होलसेल की मार्केटें हों, फूड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्रियां या कारखाने हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और आप इस कारोबार से रोज़ाना हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये बिज़नेस पाकिस्तान में बिल्कुल नया है, जिसे घरेलू लेवल पर पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा। नया मतलब ये होता है कि अभी सिर्फ पाकिस्तान में चंद ही लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट बनाना मुश्किल नहीं होता बल्कि प्रोडक्ट सेल करना होता है। लेकिन आप इस चीज़ की टेंशन या परेशानी मत लेना, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि बनने से पहले ही सेल हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चों की आइटम है। जो भी बच्चों की प्रोडक्ट हो वो हाथों हाथ सेल हो जाती है। इस बिज़नेस में तैयार होने वाली प्रोडक्ट को कैसे तैयार करेंगे, मशीन कहाँ से और कितने की मिलेगी, सरमाया कितना चाहिए होगा, बिजली का कनेक्शन कौन सा चाहिए होगा, और अगर आप माल तैयार करने के बाद घर बैठे ये माल सेल करना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी पार्टियाँ होंगी जो आपसे आके खुद माल उठाकर ले जाएंगी और पैसे आपके हाथ में देकर जाएंगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीडियो में देंगे। देखो, पाकिस्तान बिजनेस इंफॉर्मेशन में और भी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको देख के बिजनेस आइडिया ले सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि देखो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो से आप बाखबर रह सकें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पफ कॉर्न बनाने का कारोबार, कारखाना या फैक्ट्री लेवल का बिजनेस बताने जा रहा हूं। इस कारोबार को सिर्फ आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप 40,000 रुपए की आपकी मशीन आ जाएगी, साथ में कटर और डाइयां भी आपको मिल जाएंगी। मतलब कि पफ कॉर्न बनाने का मुकम्मल सेटअप आपको 40 से 50,000 रुपये में पाकिस्तान से कहीं से भी मिल जाएगा, जिसके बाद रॉ मटेरियल में आपको मकई चाहिए होगी, साथ में फूड कलर्स, साफ पानी और कुछ मसाला जात की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आप अलग से कारोबार शुरू करने के लिए सिर्फ 10,000 रुपये में ख़रीद लें, यानी कुल लागत आपकी 60,000 रुपये आएगी। इतना रॉ मटेरियल जो आप ख़रीद चुके हैं, ये कम अज़ कम 15 दिन तक चलेगा। अब बात करते हैं कि इस कारोबार के लिए आपको कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए आपको 2 कमरों पर मुश्तमिल जगह दरकार होगी। एक कमरे में आप अपनी मशीनरी लगाएंगे और दूसरे कमरे में अपना तैयार किया हुआ रॉ मटेरियल रखेंगे। इस कारोबार के लिए लेबर के तौर पर आपको 2 अदद लड़कों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप ये मशीन अपने घर में इंस्टॉल करते हैं या लगा लेते हैं तो आपको लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, पफ कॉर्न को आप पैकिंग में भी सेल कर सकते हैं और बगैर पैकिंग के भी सेल कर सकते हैं। इसको सेल करने के लिए आप सेलमैन को भी दे सकते हैं। सेलमैन को मार्जिन ज्यादा दें तो वो आपके ही पफ कॉर्न को जल्दी सेल करेगा, अच्छे से मार्केटिंग करेगा, क्योंकि आपके माल में से ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है। इसके अलावा आप बड़े बड़े स्टोर्स पर भी 10 या 20 केजी की पैकिंग बनाकर भी रखवा सकते हैं। और इसके अलावा आप जितनी भी बड़ी मार्केटें हैं, जैसे कि सब्जी मंडी होगी, फ्रूट मंडी होगी, वहां पे जोन से शॉपिंग बैग्स रखकर सेल कर रहे होते हैं, वो दही बल्ले की जोन से खुश्क पकौड़ियाँ होती हैं वो भी सेल कर रहे होते हैं, अगर आप उनसे रब्ता करके उनको ये माल दें तो ज़्यादा क्वांटिटी में आपका खुली पैकिंग में माल उठा लेंगे, यहाँ तक कि आपका सेल का मसला हल हो गया। दोस्तों, बात करें बिजली की तो ये सिंगल फेस मशीन है और घर की बिजली पर आसानी चल सकती है। तो अगर आप लेबर रख कर इस मशीन पर प्रोडक्शन करते हैं तो एक दिन में 300 किलो तक प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेबर के बगैर प्रोडक्शन करते हैं तो फिर भी आप 200 किलो पॉपकॉर्न आसानी बना सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान कारोबार है, इस कारोबार को हर कोई कर सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को ये बिजनेस आइडिया पसंद नहीं आया तो हमारे देखो पाकिस्तान चैनल पर और भी छोटे लेवल पर, घरेलू लेवल पर बिजनेस करने के लिए बिजनेस आइडियाज मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और नाज़रीन, एक बात आप लोगों से और शेयर करते चलें कि जो लोग किसी तरह की भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मशीनरी की, पैकिंग मशीन्स की या इस तरह की कोई जो सेटअप चला रहे हैं, अगर वो अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो इस वक्त जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह आपके बिजनेस को भी हम प्रमोट करेंगे बहुत सी अच्छी सी स्पेसिफिकेशन डिटेल के साथ बता के, एक अच्छी सी प्रोमो बना के आपके बिजनेस को प्रमोट करेंगे। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये बिजनेस आइडिया बहुत ही पसंद आया होगा। इसी के साथ अपना मारूफ को इजाजत दें, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अहम तरीन कॉन्टेंट अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा हकीकत पर मबनी स्टोरीज, बिजनेस, फार्मिंग, इंटरव्यूज से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल देखो पाकिस्तान।